नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में। एक बार फिर से मेरे सामने एक सेट है और उस सेट में कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपके पास इस तरह के सेट आए तो आपका कंफ्यूजन तुरंत क्लियर हो जाए। इसलिए ये वीडियो जो है आप उस सिम्टम्स को देखें और फिर उसमें एनालिसिस करने के बाद क्या प्रॉब्लम पकड़ में आती है वो देखें और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखें। या आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। तो चलिए दोस्तों, एक सेट हमारे सामने है और हम इसको ऑन करने का प्रयास करेंगे। देखें, हमने इसको स्टैंड बाय से रिलीज किया। आप देखेंगे इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो लगता है कि पैनल की प्रॉब्लम है। ऑन किया इसे, सेट ऑन हुआ आपके सामने। ऑन होने के बाद इसके बदलते हुए प्रारूप को देखें, इस तरह से बदल रहा है इसका स्क्रीन। और जहां पे नो सिग्नल या कुछ भी लिखा हुआ आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। गौर करें आप इन किनारों को, इन किनारों पे देखें तो आपको एक ब्लैक राउंड दिखता होगा। साथ में ये देखें, ब्लैक सेट, व्हाइट सेट, ये रोटेट हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ये बयां कर रहा है कि ये पैनल की ही प्रॉब्लम है। 100% इस तरह की सिम्टम्स आए तो वो पैनल की ही प्रॉब्लम होती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए आइए हम इसको ट्रेस आउट करते हैं। ऐसे स्थिति में आपको पूरे किनारे को, जो हमारी एलसीडी का पैनल है, उसके पूरे किनारों को बारीकी से देखने का प्रयास करें। ये जो प्रॉब्लम होता है किनारों से होता है और मैं इसलिए इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे कि प्रॉब्लम कहां है। देखें, पूरे किनारों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखें, ओ माय गॉड, ये देखें प्रॉब्लम आपके सामने। मतलब ये जो स्पेस दिख रहा है, यहां किसी ने जोर से दबाया होगा या कुछ यहां प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां दाब पड़ा है और यहां आप देख पा रहे हैं कॉफ है। ये देखें कॉफ, डबल कॉफ वाली पैनल है, यहां पे कॉफ है और यहां से लाइनें इस तरह से कुछ ऐसे जाती हैं और ये लाइनें यहां साइड कॉफ में जाती हैं, गेट ड्राइव में। अब चूंकि ये हुआ क्या है कि यहां हमको कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से जो यहां से बारीक लाइनें जा रही हैं वो कोई लाइन इसमें नहीं पहुंच रही है। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके कोफ डेटा को चेक करेंगे। देखें, इसमें जो कोफ लगा है, इस कोफ पे नंबर लिखा होगा, इस नंबर को हम ट्रेस करेंगे और उसके कोफ को डिटेल को ढूंढेंगे। अब हमें करना क्या है कि जो साइड में आप कोफ देख रही है वाला, इस कोफ की डिटेल हमको चाहिए। कोफ डिटेल क्या है तो मैं बताऊंगा कि कोफ डाटा जिसे बोलते हैं, ये स्क्रीन पे आप देखें, इस कोफ में और इस कोफ में आपको फर्क दिख रहा होगा। यहां खाली टेस्टिंग प्वाइंट आपको नजर आ रहे हैं और यहां पे उस टेस्टिंग प्वाइंट के नाम नजर आ रहे हैं। अब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि जो टेस्टिंग प्वाइंट यहां दिए गए हैं अलग अलग पॉइंट पे, क्या वो सारे वोल्टेज उस जगह पे पर्याप्त हैं अथवा नहीं। और सारे वोल्टेज में मेन इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है वीजीएल और वीजीएच। अगर वीजीएल और वीजीएच पहुंच रहा है इस कोफ में, जहां पे लिखा है वहां पे आपको साफ करना है और साफ करने के बाद चेक करना है कि वहां क्या वीजीएच पहुंच रहा है। वीजीएच की वैल्यू होती है 21 वोल्ट से लेकर 31 वोल्ट तक, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। और ये चेक करना है कि VGL वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। VGL की वैल्यू होती है -5 वोल्ट से -11 वोल्टेज तक, इसके बीच में वो वोल्टेज होने चाहिए। तो आपको यहां VGH और VGL में वो वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं प्राप्त हो रहे हैं वो देखना है। और निश्चित रूप से वहां एक कोई वोल्टेज मिसिंग होगा। जो वोल्टेज मिसिंग है उसे हम स्केलर पे आ रहे वोल्टेज, स्केलर पे भी टेस्टिंग प्वाइंट होगा और स्केलर के टेस्टिंग प्वाइंट पे प्राप्त वोल्टेज को एक पतले वायर के माध्यम से कोफ डेटा तक
पहुंचा देना ही पैनल बाईपास मेथड है। यहां हम पैनल बाईपास मेथड करके इस सेट को ओके करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों हम आ रहे हैं आपके मुंबई पालघर में ट्रेनिंग लेकर के 4, 5, 6, 7 सितंबर 2021 को। जो भी भाई पालघर के नज़दीक हैं, यदि हमारे साथ ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो आमंत्रित हैं, वो आ सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सीट जरूर बुक करा लें। पालघर मुंबई, थैंक यू वेरी मच। पैनल बाईपास करने का जो सही तरीका है, पहले एक टेप लें और अगर मोटा टेप है तो उसको बारीक कर लें, पतला कर लें, उसे दो भाग कर लें इस तरह से। और ये दो भाग इसलिए करना है क्योंकि हमें जो साइड कॉफ है उसे हमें उल्टा करना है। देखें इस प्रकार टेप लगा करके आप साइड कॉफ को उल्टा करके, और अब आपको चेकिंग करने में आसानी होगी। जो टेस्टिंग पॉइंट दिए गए हैं हमारे साइड कॉफ पे, हमको चेक करना है वहाँ पे कौन सा वोल्टेज प्रेजेंट है, कौन सा वोल्टेज अब्सेंट है, और VGH VGL सबसे पहले चेक करें क्योंकि VGL VGH सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं साइड कॉफ के। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि VGH गायब है, VGL यहाँ आ रहा है जिसकी वैल्यू माइनस में होती है, VGL यहाँ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है मीटर में देखें, लेकिन VGH जो वोल्टेज गेट हाई जिसका फुल फॉर्म है वो यहाँ नहीं दिख रहा है, और जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखें VGH और VGL दोनों टर्मिनल पे -6 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, जबकि VGL पे -5 वोल्ट और VGH पे +25 से 27 वोल्टेज के आसपास यहाँ होना चाहिए, 22 भी हो सकता है। तो देखें यहाँ पे जो VGH है वो वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, वोल्टेज गेट हाई जिसे कहते हैं। अब हम उसको बाईपास करेंगे। बाईपास करने के लिए क्या करना होगा, एक पतला वायर लेकर के और उसके दोनों टर्मिनल को साफ कर दें। देखें मैंने तो थोड़ा सा बड़ा मोटा वायर लिया है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे भी बारीक वायर का इस्तेमाल करें जो घड़ी वगैरह के कॉयल में मिलता है और ट्रांसफार्मर में भी मिल जाता है बहुत बारीक वायर, उस वायर का इस्तेमाल करें, उस पर निखिल लगी रहती है। और इस तरह से वायर के दोनों टर्मिनल में पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद आप दोनों टर्मिनल को साफ कर लें। अब आपने देखा कि VGH वाला जो पॉइंट है वहाँ पे इसको सोल्डर मारना है, पर ध्यान रखें सोल्डर मारने से पहले इस तरह से बारीकी से साफ कर दें सारे टेस्टिंग पॉइंट को, और ध्यान रखें कि टेस्टिंग पॉइंट को साफ करते समय आपकी लाइन दूसरी जगह नहीं साफ होना चाहिए, नहीं तो जी। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस टर्मिनल पे आपको शोल्डर मारना है, अर्थात अगर VGH पे शोल्डर मारना है तो VGH को ही सिर्फ साफ़ करें, VGL को यदि शोल्डर मारना है तो VGL को ही साफ़ करें। अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो जो बारीक प्रोड वाला मीटर का प्रोड होता है उससे आप चेक कर सकते हैं। तो साफ़ करने की जब बात आती है तो उसी टर्मिनल को साफ़ करें जहाँ पे आपको सोल्डर लगाना है, और वायर का जम्पर इस प्रकार मारने के बाद आप उस पर टेप ज़रूर मारें। ये टेपिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, इन केस कभी वायर खींचेगा तो आपका कॉफ सेफ रहेगा, नहीं तो पता चलेगा कि कॉफ हाथ में आ गया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो टेप लगाना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये टेप लगाने से कभी वायर अगर डिस्प्ले के पीछे जाता है तो दिखने लगेगा, तो ध्यान रखें इस बात का, खास करके जरूरत पड़े दोबारा भी आप टेप लगा सकते हैं। कोशिश करें कि ये वायर आप बहुत बारीक लगाएं। ये वायर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसमें लॉकडाउन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम बारीक वायर ला सके, और अब इसके बाद हम इस सेट के फ्रेम को लगा देंगे। हालांकि आपको पहले सोल्डर मार करके रिजल्ट ले लेना है और उसके बाद फ्रेम लगाना है, पर मुझे पता है कि ये हो जाएगा इसलिए मैं इसको सोल्डर मार के
मारने के पहले ही इसको मैं उठा ले रहा हूँ। अब हमको यहाँ ढूंढना है कि यहाँ पे VGH का टेस्टिंग पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ VGH का टेस्टिंग पॉइंट लिखा है और यहाँ देखें VGL का टेस्टिंग पॉइंट लिखा है। तो VGL तो कंप्लीट आ ही रहा है। यहाँ हम एक बार फिर से आपको मीटर से दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जो वैल्यू हमको रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू यहाँ स्केलर में मिलेगी। देखें आप मीटर पे ध्यान करें, हमने इस प्रोड को लगाया VGH पे, यहाँ VGH सेट ऑन नहीं है। चले हम पहले इसको स्टैंड बाई करते हैं, शुरू। देखिए सेट शुरू हो गया। अब हम पहले यहाँ VGH की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ रही है। मीटर पे ध्यान दें, मीटर को जूम करें, फोकस करें और यहाँ देखें VGH की वैल्यू 22 वोल्टेज है, जबकि सोर्स कोफ पे साइड कोफ पे आपको वहां माइनस मिल रहा था। ये देखें VGL -6 वोल्ट। तो आपने कोफ पे देखा कि VGL वोल्टेज दोनों जगह प्राप्त हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि VGH वोल्टेज वहां नहीं पहुंच रहा है। अब चूंकि यहाँ VGH वोल्टेज पर्याप्त है, हमको मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस VGH को इस वायर के माध्यम से बाईपास कर देंगे और देखेंगे उसके बाद रिजल्ट क्या होता है। VGH को VGH पे सोल्डिंग मार दिया और अब आ गया वक्त हमारा रिजल्ट देखने का कि क्या होता है रिजल्ट। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। पर मित्रों ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी नहीं कह सकते, पर फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में ही होगा। देखें अब रिजल्ट की बारी है, हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं। सेट आपका ओके हो गया और देखें अब यहाँ सिचुएशन क्या है। ये देख रहे हैं आपके सामने अब वही सेट है, यहाँ AV लिखा गया और यहाँ नो सिग्नल लिखा गया। बस ये जो लिक्विड ब्लर हुआ है वो अभी भी है और उस समय भी था, लेकिन ये लिक्विड ब्लर होने की वजह से अथवा यहाँ दबाव पड़ने की वजह से जो लाइन ब्रेक हुई थी वो VGH की लाइन थी और VGH की लाइन शुरू VGH की लाइन वहां पहुंचने की वजह से न पहुंचने की वजह से देखिए यहाँ जो लिक्विड ब्लर हुआ है इसकी वजह से यहाँ धब्बे पड़ रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या होगा, यहाँ तेज दबाव पड़ा होगा या कुछ भी ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से VGH जिसको हमने बाईपास किया, देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से VGH वहां नहीं पहुंच रहा था और VGH अब हमने इस वायर के माध्यम से वहां पहुंचा दिया। तो रिजल्ट आपके सामने है। जी दोस्तों आपको जान के खुशी होगी 4, 5, 6, 7 सितंबर को पालघर में हम अपनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो जिन भाइयों को पालघर में ट्रेनिंग लेने के लिए आना हो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सीट बुकिंग कराएं। 4, 5, 6, 7 सितंबर को पालघर में हम आ रहे हैं आपके शहर में। सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। दोस्तों ये पैनल बाईपास करने का एक तरीका था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो इनको आपको ऑब्जर्व करना है। कभी तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि ये पैनल का प्रॉब्लम है या कार्ड का प्रॉब्लम है या कहां से दिक्कत आ रही है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां का है। मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रॉब्लम पैनल का है, हमने उसको बॉर्डर लाइन को चेक किया तो हमको पता चला यहाँ लिक्विड ब्लर हुआ है या दबाव पड़ा है। फिर हमने चेक किया कोफ डिटेल में तो वहां पे पता चला कि VGH और VGL दोनों जगह पे एक ही वोल्टेज प्राप्त हो रहा है -6 वोल्टेज, जबकि एक जगह VGH 24 वोल्ट या 22 वोल्ट होने चाहिए, दूसरी जगह VGL -5 वोल्ट या 6 वोल्ट होने चाहिए। तो VGL -6 और 6 वोल्ट तो मिल ही रहा है परंतु VGH वो 22 वोल्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमने उसको स्केलर पे चेक किया तो स्केलर पे वो VGH जो टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है वहां पे 22 वोल्ट जा रहा है। बात स्पष्ट हो गई कि ये जो VGH वाली लाइन है कोफ में नहीं पहुंच रही, उसको हमने बाईपास किया और सेट आपके सामने ओके।
तो ये है तरीका पैनल बाईपास करने का, ये है तरीका VGH और VGL मिसिंग होने के सिम्टम्स। मतलब सिम्टम्स क्या हो सकता है वो भी आपने देखा कि नोड सिग्नल नहीं आ रहा था, बीच में पट्टे आ रहे थे, पट्टे ब्लर हो रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और उनके सिम्टम्स का ऑब्जर्वेशन आपको यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से ये LCD LED बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्वागत, नमस्ते।